नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट, हमेशा ही आपके साथ मैं वास्तुशास्त्र के नियम और अपने अनुभव की बातें शेयर करता रहता हूं। आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी दुकान के अंदर, उसके शोरूम के अंदर ग्राहक का आगमन ज़्यादा हो, उसका माल ज़्यादा बिके और उसको प्रॉफिट भी अच्छा मिले। लेकिन आपके यहाँ ना तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और ना ही आपके यहाँ ग्राहक का आगमन अच्छा है। जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उपाय आप अपने यहाँ बड़े आराम से इजी वे में कर सकते हैं और उन उपायों को करने में भी कोई खास खर्च भी नहीं होगा। आपकी अपनी दुकान है या शोरूम है, या आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हुई है और आपकी अपनी दुकान शोरूम नॉर्थ फेसिंग है, उत्तरमुखी है, तो उसमें आपने करना क्या है, आप अपनी दुकान के बाहर के भाग को चेक करें। जिन दुकानों में, जिन शोरूम में ग्राहक का अंदर आने का सिस्टम है, वहाँ पर दुकान के बाहर, शोरूम के बाहर एक फुट मैट लगाया जाता है, रखा जाता है। आपके यहाँ फ्रंट के भाग में नॉर्थ की दिशा में यदि फुटमैट रखा हुआ है और फुटमैट का रंग लाल है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पहली बात तो ग्राहक आते नहीं हैं, जो ग्राहक आते हैं वो आपको प्रॉफिट देकर नहीं जाते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। चाहे आपकी माल की परचेजिंग महंगी हो या जब आप माल सेल करते हैं तो उसके रेट गिर जाते हैं या ग्राहक उस प्रॉफिट में कटौती कर जाता है। आपके यहाँ इस तरह की दिक्कत आ रही है तो आप एक काम जरूर कीजिए, जो आपके यहाँ फ्रंट के भाग में रेड कलर का फुटमैट है, आप उस फुटमैट को वहाँ से हटाएं और वहाँ पर ब्लू कलर का फुटमैट रखेंगे, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पैसे आने के साधन, प्रॉफिट मिलने के साधन बन जाएंगे। नॉर्थ के भाग में, उत्तर दिशा में ब्लू कलर का फुटमैट रखने से आपके यहाँ ग्राहक का आगमन बढ़ जाएगा और जो ग्राहक आपके पास आएगा उनमें से ज़्यादातर ग्राहक आपके यहाँ से माल लेकर जाएंगे और आपको प्रॉफिट भी देकर जाएंगे। इसी के साथ जो आप माल परचेज करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जो परचेजिंग आपकी होगी वो आपकी महंगी नहीं होगी, एक नॉर्मल रेट पर होगी और जब आप माल बेचेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ, कमी कहाँ मिलती है। जो आपका शटर है, बहुत सारी जगह यह भी देखने में आता है कंपनी अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपके शटर पर रेड कलर का पेंट कर देती है। यदि आपके यहाँ रेड कलर का पेंट है तो भी आपके यहाँ प्रॉफिट नहीं आएगा। आपने करना क्या है, जो आपका शटर है उसके ऊपर भी आपने स्काई ब्लू कलर का पेंट करवाना है। पेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से होना चाहिए, स्काई ब्लू कलर इस तरीके से कराएं कि रेड कलर अच्छे तरीके से दब जाए। इसी के साथ जो तीसरा पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ, जो आपकी होर्डिंग है, जो आपका अपना नाम है, जिस कंपनी की आपने ब्रांडिंग की हुई है, यदि वो रेड कलर की है तो भी आपके यहाँ प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा। ग्राहक का आगमन भी कम होगा और आपके प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कटौती होती रहेगी। जब आप माल परचेज करने जाएंगे तो आपको माल महंगा मिलेगा और जब आप अपना माल बेचेंगे तो वो माल आपका सस्ता बिकेगा। इस तरह जो आपका अपना प्रॉफिट है उसमें कटौती हो जाती है। सिर्फ आप अपने फ्रंट के भाग में ये तीन काम कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आपकी दुकान में, जो आपकी दुकान है, जो आपका शोरूम है नॉर्थ फेसिंग है, उसके अंदर ग्राहक का आगमन अच्छा होगा और ज़्यादातर ग्राहक आपके यहाँ से माल लेकर जरूर जाएगा। आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस प्रोग्राम को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।